जाति जनगणना को लेकर सियासत काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। लोकसभा में इसको लेकर के जोरदार बहस भी हुई। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जातीय जनगणना से आखिर किसका फायदा होने वाला है, क्या बहुसंख्यकों का कद कम करने की कवायद है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे जुड़ते हैं। वैसे भी बताइए, जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात की जा रही है लगातार, उससे किसका फायदा होगा? कौन कर रहा है? लोकसभा में बात हो रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है, कर रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यही मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता था। देखिए, विपक्ष इसमें खाली हाथ है, वो मुद्दों से रहित है और वो नए मुद्दे जनित करके वो प्रयास करने की चेष्टा कर रहे हैं, कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। जातिगत, इस देश में जातिगत आधारित कुछ भी नहीं होना चाहिए। देश के विकास के लिए बात होनी चाहिए जातिगत। देखिए, 70 साल हो गए, बहुत लोगों की मदद की गई, मदद। अब निर्धनों की तरफ भी ध्यान दीजिए, जो वास्तव में निर्धन है। निर्धन की कोई जात नहीं होती, निर्धन निर्धन होता है। वो गरीब, उसमें ब्राह्मण भी होता है, मुस्लिम भी होता है, शेख सैयद भी होता है, बनिया भी होता है। आज निर्धन बहुत हैं। तो जातिगत आधारित गणना की बात करने वाले, हम नहीं समझते कि वो देश के हित के सोच रहे हैं। अब हमें सब कुछ भूल करके आगे की तरफ जाना चाहिए और एक 3.0 जो सरकार चल रही है, अब चूंकि ये भी एक खंडित जनादेश प्राप्त हुआ था भाजपा को, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये अपनी सरकार को सफलतापूर्वक 5 साल चलाएंगे और इसमें देश के लिए फ़ायदा है। आप बताइए, क्या लगता है किसका फायदा होने वाला है इससे? जाति जनगणना अगर हो भी जाती है तो क्या लगता है किसी को फायदा मिलेगा या फिर बहुसंख्यकों का जो कद है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? मैं राजन मिश्रा, कानपुर फर्नीचर एंड प्लाई एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जब आप जाति गणना की बात करते हैं तो कल आपने सुना होगा कि एक हमारे प्रिय नेता ने एक दूसरे नेता से पूछा था, क्या आपको अपनी जाति का ज्ञान है? तो जब अपनी जाति का हमें ज्ञान नहीं है और हम जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज जब इस बात की हम बात करते हैं तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सबको हम अलग धर्म में लेके जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान हमको वोट दे, ब्राह्मण भाजपा को वोट दे, ये इसको कायस इसको। तो ये आप जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, इसमें आप विरोधाभास देश में पैदा कर रहे हैं। आपको बात करनी चाहिए कि हमारी गरीबी क्या है। आज जो हमारी वित्त मंत्री ने जो आपको दिया है बजट, देखिए उसमें कितने सुचारू रूप से कितनी सुंदर चीज़ें कही हैं कि आपको इनकम टैक्स में लाभ दिया, आपको सारी चीज़ों में लाभ दिया, आपको अन्न वगैरह सब आपको फ्री मिल रहा है, सब सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो हमें ये लग रहा है जाति गणना से हट के हम लोगों को बात करनी चाहिए और देश के विकास की बात करनी चाहिए। गांधी बजट के दौरान ही तो कह रहे हैं दलितों को और ओबीसी के लिए अलग से बजट होना चाहिए। नहीं तो दलित ओबीसी के लिए अलग बजट क्या? हिंदुस्तान एक है, ना दलित अलग है, ना ओबीसी अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना हिंदू अलग है। अगर हम इनको सबको अलग रख रहे हैं तो हम देश हित की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने हित की बात कर रहे हैं कि अगर हम दलित ओबीसी को अलग वोट देने की बात करेंगे तो हमें इनका वोट मिलेगा। हम 8500 रुपये देने की खटाखट बात करते हैं, हम वोट ले लेंगे। तो अगर आपने 8500 की बात करी तो क्या आप वोट ले पाए? आपने धरातल आपने देखा ही नहीं। जब आप जीत गए, हार गए, तो उसके बाद जब लोग 8500 मांगने आए तो आप मुंह फैलाए खड़े हुए थे, आपके पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। आपका कहना है लोगों को बांट करके राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपको किसी का क्या फायदा होगा इससे? जाति गणना जो है, ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, उस पार्टी ने उठाया है जिसने 70 साल इस देश में शासन किया। क्या अपने शासन काल में कभी ये मुद्दा उठाया उन्होंने? इसका मतलब है कि वो वैमनस्य समाज में पैदा करना चाहते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और ये सब करके वो जो है अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इस मुद्दे का कोई वजूद है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जाती क्या लगता है भाई साहब, किसका फ़ायदा होगा इससे? देखिए, नफ़ा नुकसान की बात नहीं, लेकिन ये जो राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये समाज में विघटन पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, हम सभी लोग या हमारे नेता माननीय मोदी जी सर्वधर्म के लिए सभी समभाव से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के राइटर कौन हैं, क्या लिख कर देते हैं? जैसे कि कल अनुराग ठाकुर जी, माननीय सांसद जी ने उनकी जाति पूछी, उस पर वो बिलबिला गए। अब वो हिंदुत्व में भी जातियों को बिखराव करके हमारा विघटन करना चाहते हैं, जो कि गलत है। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। कुछ और लोग भी मैं सुन से बात करते हैं, क्या लगता है
किस तरीके से ये राजनीति हो रही है, क्यों राजनीति हो रही है जाति जनगणना को लेकर के? इसके पास में आज की डेट में मुद्दा बनाया जा रहा है जाति गणना को लेकर, ये जो कर रहे हैं मुद्दा उनके पास और है नहीं, तो उनकी एक ही एक मानसिकता चल रही, यही राजनीति वो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। कुछ फायदा होगा जो लोग मुद्दा बना रहे हैं उनको? नहीं, कैसे होगा? आप इस ऐसे फ्री है मेंटेलिटी, ऐसे आप जिस देश में हैं तो उनको फायदा नुकसान किसी को नहीं होना उससे। भाई पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दा बना रही हैं, उनको क्या फायदा होगा? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं है, नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं उनको, ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई साहब क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर, क्या सोचते हैं आप? नहीं, इस मुद्दे को लेकर यही है कि देश को बांटने की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है, ये चीज़ बहुत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। क्या लगता है भाई साहब इस तरीके से क्या देश बटेगा, क्या लगता है आपको देश बटेगा या फायदा होगा जो ओबीसी और जो दलित हैं उनकी जब जनगणना सामने आ जाएगी, क्या वाकई में उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस हिसाब से मिल पाएगा? सरकारी योजनाओं का लाभ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लाभ विपक्षी अपने हित में लाना चाहते हैं कि वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका में पैदा हुआ व्यक्ति अमेरिकी कहलाता है, वैसे हिंदुस्तान में पैदा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तानी हिंदू नहीं कहला सकता क्या? तो हमें सबको हिंदुस्तानी बन के बात करनी चाहिए, हम सबको इंडियन बन के बात करनी चाहिए, हम सबको भारतीय बन के बात करनी चाहिए। हमारी आपकी कोई जाति नहीं है, हमारी आपकी केवल एक जाति है, भारतीयता, और हम भारतीयता पे बात करें तो हम आज भारत को मजबूत कर सकते हैं, भारत के बजट को मजबूत कर सकते हैं, ना कि जाति के आधार पे। और जिस व्यक्ति को खुद की जाति का ज्ञान ना हो वो हम सबको जाति का ज्ञान ना दे, इससे अच्छा यही होगा। क्या लगता है भाई साहब क्या किसी का कुछ फायदा होगा जिन जातियों को बांटा जा रहा है छोटी छोटी जातियों में, जनगणना की जाएगी तो बताया जाएगा ओबीसी में ये इतने हैं, दलित में ये इतने हैं, तो क्या कुछ फायदा होगा उनका? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायदा होगा। ये वही बात है जैसा कि बोला गया कि ये बांटने की राजनीति है, और हमको जो फोकस हिंदुस्तान में जो रखना चाहिए वो विकास पे रखना चाहिए, एजुकेशन पे रखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे रखना चाहिए, ना कि जाति के धारणा एक आगे ले जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश बटेगा ही। जो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो हमेशा हम लोग थियोरेटिकली बात करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली ये चीज़ पीछे ले जाएगी, इसलिए मेरे हिसाब से ये गणना इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, इसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए, इसको आगे लेके नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है क्यों पॉलिटिकल पार्टीज इसकी बात करती है, क्यों विपक्ष बात कर रहा है कि जाति जनगणना हो? मुझे ऐसा लगता है जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए, और उसको किस तरह सरकार करती है ये बड़ी बात है। अभी तक तो गणना हुई थी ना, सब जगह कार्य हो ही रहे हैं, पर जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एक बात ये भी सोचनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जिनके मन में चोर है वो करेंगे करेंगे, जिनके मन में चोर है, जिनके मन में कोई चीज़ है, जैसे कि बहुत चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, वो इस तरह के काम करते रहेंगे। मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी वाला जो फार्मूला, जितनी जिनके जिनकी जनगणना जितनी ज़्यादा है उसको उसी तरीके से लाभ मिलना चाहिए, कहना चाह रहे हैं। बराबर रह रहे हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, डर तो उन्हीं को होगा ना जिनके पास कुछ नहीं है। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या लगता है ये मुद्दा कितना कारगर होगा, क्या लगता है देश में इस मुद्दे की ज़रूरत है? बिल्कुल इस मुद्दे की ज़रूरत नहीं है, ये सब मुद्दे 2014 के पहले हिंदुस्तान में होते थे, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन सब मुद्दों को उठा के अपने वोट बैंक को सीधा करते थे। अब माननीय राहुल जी जो हमारे हैं उनको लग रहा है कि संविधान की दुहाई देके कुछ क्षणिक सीटें उनको और उनके सहयोगी दलों को ज़्यादा मिल गई हैं, तो उनसे उनका सोच रहे हैं कि इसी मुद्दे को उठा के उनको आगे दलितों को और छोटी जातियों को बहकाएं, उससे अपना लाभ पाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हिंदुस्तान एक चुनाव एक निशान की बात होती है, इन सबके मंसूबे कभी नहीं कामयाब होंगे। नहीं, ये बताइए क्या फ़ायदा नुकसान किसको है, क्या लगता है अगर जाति जनगणना हो जाती है जो तो जो ओबीसी तबका है या एससी तबका है जो पिछड़ा हुआ, क्या उनको फ़ायदा होगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा होगा, जिसके जो हक का होना चाहिए अगर वो संविधान में है तो उनके हिसाब से उनको देना चाहिए, मिलना चाहिए उन्हें, तो इसका मतलब जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की अलग अलग राय है, तमाम लोगों का कहना ही है कि जाति जनगणना से देश और बटेगा, जो बहुसंख्यक है उनका कद और छोटा हो जाएगा क्योंकि जातियां उपजातियों में बढ़ जाएंगी और तमाम जातियां निकल करके सामने आएंगी। ऐसे में एक तरफ बात ये की जा रही है कि जातियों के आधार पर लोगों का हक दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छा नहीं है, बात विकास की होनी चाहिए, डेवलपमेंट की होनी चाहिए और हर समुदाय का हर जाति का विकास होना चाहिए, और विकास के लिए
अगर कोई फार्मूला अपनाना है तो गरीबी दूर करने का फार्मूला होना चाहिए, ना कि किसी जाति के आधार पर किसी वर्ग विशेष को लाभ देने की बात करनी चाहिए। इस बिहार पर जाति जनगणना को लोग खारिज भी कर रहे हैं और तमाम लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं सियासी चौक। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम बनारस में एक चौक पर खड़े हैं और वहां पर लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। दरअसल एसपी कांग्रेस का पूरी तरीके से तर्क है कि किसी तरीके से घटे बहुसंख्यक का कद, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है इस बारे में सीधे बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन के जो मुख्य श्रोता हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव जाति धर्म की बंटवारे की बात कर रहे हैं, क्या सोचती है आम जनता? देखिए, वो इसी में उलझा के जनता को गुमराह कर रहे हैं जाति धर्म के। देखिए, जाति धर्म से मतलब नहीं है, हमारा विकास का मुद्दा होना चाहिए, समाज के विकास कैसे हो उस पर मुद्दा होना चाहिए, ना कि किसी जाति को बांट के उसमें विद्रोह किया जाए। अब इन लोगों का क्या है कि पार्ट पार्ट करके देश को विखंडित कर दिया। 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, क्यों नहीं उस जाति के लिए काम किया? अगर उनको यही करना था तो इसके पहले भी जाति जनगणना कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। इसके पहले इंदिरा गांधी जी ने भी ये जाति के नाम पे जब चुनाव हारने लगी तो इस तरह का इलेक्शन कमीशन में तमाम तरह की इस तरह की कर की योजनाओं को गुमराह कर, तो इन लोग जनता को गुमराह कर रहे। जैसे आप भी चुनाव देखे होंगे, 8500 रुपया, आज क्या किसी को एक सिंगल आदमी को 8500 रुपया उन्होंने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जनता को गुमराह कर रही हैं, जनता के हित में काम करने की बातें ही नहीं करती। अगर जाति के नाम पे लोगों को गुमराह करके अलग तरह का काम करना चाहते हैं, देश के विकास की बात नहीं करते। अगर इनकी सरकार थी, एक गरीब आदमी के लिए इन्होंने क्या किया? एक तरह से पूछा जाए तो कोई काम नहीं, केवल जाति के नाम पे 8500 बांटने के नाम पे आरक्षण खत्म कर दिया जाए इसके नाम से, यही उनकी राजनीति है। एक भी बताया जाए ऐसा विकास की बात करे तो ये हो, विकास अपना दिखाई दे रहा है लेकिन उनको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उनके आंख में तो चश्मा लगा हुआ है। बिना विकास का तो कहां से विकास दिखाई देगा? क्या लगता है भाई साहब, जाति के नाम पर जो बंटवारे की बात हो रही है, इस समय जो राजनीति हो रही है जात के नाम पर, जाति जनगणना की बात हो रही है, किस तरीके से देखती है आम जनता? पहले तो हमें आपको ये बता दें कि जाति के नाम पर तो वोट का बंटवारा होता ही आ रहा है शुरू से ही। रही बात जाति जनगणना की, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। क्यों से कि जाति जनगणना करने से लोगों के मन में भाव आ जाता है कि हम लोग इतने संख्या में हैं, हमारे को क्यों लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस शुरू से ही राजनीति की है, जाति के नाम पर वोट मांगा है। और अभी हाल ही का एक घटना है कांवड़ा यात्रा वाला, तो नाम लिखकर बताने में क्या जाता है आपका? नाम बता देना चाहिए भाई, आप स्कूल के लिए ड्रेस बना है तो ड्रेस पहन कर जाओ ना, हिजाब पहनकर कट्टरपंथी दिखाने की क्या ज़रूरत है आपको? तो वहाँ तो आप मौन हो जाते हो और आप जाति की बात करते हो, तो हमारे हिसाब से ये गलत है। क्या लगता है आपको कि जाति 2014 में जब मोदी जी आए थे तो हमको बड़ा हर्ष हुआ था कि जाति समीकरण टूट गया, पर इन्होंने विपक्ष ने फिर से जाति समीकरण उत्पन्न कर दिया। क्या लगता है? हाँ। मुद्दा ही नहीं बचा है, बस एक जाति के नाम पे वो वोट कलेक्शन करना चाहते हैं, ना कोई ना विकास हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। जाति के नाम पे उन्होंने ये दिखाया कि ये ओबीसी है, ये एसटी है, लड़ाकर बस वो अपना वोट बैंक कलेक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए, जनता अगर सब जानती है तो जातिगत जो चीज़ें होती है, जातिगत बंटवारे खासतौर पर पॉलिटिक्स में होता है, चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से पीडीए की बात चली, इस तरीके से वोट हासिल करके जो सत्ता पर के गलियारे तक जाने की बात होती है, ये आम जनता के कितना हित में नहीं है, क्या लगता है आप? सर, ये जनता के हित में तो नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस करती क्या, शुरू से ही करते आ रही है बंटवारा, डिवाइड एंड रूल। ऐसा तो अंबेडकर जी ने भी कहा था, किसी भी देश को उत्थान के लिए आरक्षण केवल 10 साल है, तो क्या कांग्रेस ने 10 साल का उपालन किया? 40 साल हो गए आरक्षण को। अगर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को बुरा लग जाता है विपक्ष को, क्यों बुरा लगता है? आरक्षण का जिसे सही लाभ मिलना चाहिए, वाकई में सच्चाई है, उसे नहीं मिल पाता है भाई साहब, नहीं मिल पाता। जाहिर सी बात है, जनता इस बात को समझती है कि जातिगत बंटवारा जो है कितना नुकसान होता है। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव जातिगत बंटवारे की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात होती है, खुद यहाँ पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि जातिगत जनगणना ही उनका चुनाव का मुख्य मुद्दा है, क्या लगता है आपको?
मीन हमारे हिसाब से जाति जनगणना होना नहीं चाहिए, इसके होने से आम आदमी के बीच में थोड़ी सी मतभेद बढ़ जाएगी और उसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत पड़ेगा। फिर उसी के हिसाब से लोग आरक्षण मांगेंगे, तो ये आपस में भिड़ाने का काम है और कुछ नहीं है। और विपक्ष के बाद कोई ऐसी मुद्दा नहीं है जो उठाए, इनको विकास का मुद्दा उठाना चाहिए। विकास का मुद्दा ना उठा के ये फालतू बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। क्या लगता है भाई साहब आपको, जाति धर्म के नाम पर जो बंटवारा इस समय राजनीतिक दलों में दिखाई दे रहा है, इसका जनता पर क्या प्रभाव है? जनता समझदार है, जनता सब जानती है। अब राहुल गांधी जी जैसे आदमी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना आवश्यक है, ये आज़ादी से लेके आज तक इन लोगों का बस देश को बांटने वाली ही राजनीति की है इन लोगों ने हमेशा। बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस तरह से देश कहाँ रह जाएगा? ब्राह्मण और क्षत्रिय जो देश समाज के लिए जो सब कुछ किया हुआ है, ये हमेशा कटते गए मरते गए, तो इनकी तो आबादी सबसे कम हो गई, तो इस हिसाब से इनको तो रहने का अधिकार ही नहीं हुआ। आप बांटते हो हिंदू और मुस्लिम में, मुस्लिमों में जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हो? उनमें भी तो कितने पंथ, कितने वहाब हैं, इसमें पठान है, खान है, शिया सुन्नी, आप उसमें नहीं बांटते हो, सिर्फ देश बांटने की बात करते हो। ये राजनीति बहुत खतरनाक है और देश के हित में नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है कि जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जातिगत बंटवारे की बात हो रही है, ये आने वाले चुनाव में देश को किस तरफ ले जाएगा? आम जनता इसे लेकर क्या सोचती है? देखिए, जाति की जब बात करते हैं तो पहले तो ये होना चाहिए जिस जाति को आरक्षण मिला उस जाति के लोग अगर हाई क्वालिटी के हो गए या हाई प्रोफाइल के हो गए तो उनकी जाति को ख़त्म करें, जो उनसे नीचे निचली जातियाँ उनको लाभ मिलना चाहिए, इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो क्या है, गुमराह करने की बात करें। क्या गुमराह कर रहे हैं? आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है आरक्षण का लाभ? आरक्षण का सेंस क्या है? आरक्षण का सेंस है जो दबे हुए लोग हैं उनको उभारने का काम किया जाए, उनका जो है भाई लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनके रहन सहन अच्छे हो, उनको उनके पढ़ाई में लाभ मिलना चाहिए। इस पर शिक्षा की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करेंगे, वो जाति की बात करें, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। 70 साल की पीढ़ी में उन्होंने विकास नहीं किया, केवल राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी साहब, गांधी परिवार के लिए ही सब व्यवस्था बनता था, एक ही परिवार के लिए। क्या दूसरे विकास के, दूसरे परिवार के विकास की बात उन्होंने किया? नहीं किया, क्योंकि वो अपने ही जाति अगर इतना ही अगर बहुत थे तो अपना पद छोड़ के दूसरे किसी जाति को दिए होते तो लगता कि जाति की बात करते हैं, स्वयं की बात करना है उसमें अलग की बात है। तो इसलिए हम ये तो बात आप कह रहे हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग विचार है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साल 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो जातिगत समीकरण था और जो आरक्षण के मुद्दा था वो एक खास मुद्दा बनकर उभरा और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ वो खुद ही मानते हैं। ये तो गुमराह करने वाली बातें हैं। विपक्ष ने काफ़ी इस चुनाव में 2024 के चुनाव में काफ़ी लोगों से झूठ और गुमराह करने का काम किया। हम तो यही समझते हैं कि 70 सालों में या 60 सालों में कांग्रेस ने जितने भी शासन किए आम जनता को यही जाति गणना के आधार पर ही उन्होंने लोटा पकड़वा कर शौचालय के लिए भेजा है, वो दिन भूलेगा नहीं आदमी। पर मोदी जी के आने से 2014 में आज शौचालय देने का काम विकास का काम ही है ना, ये सब छोटे छोटे काम को ही विकास कहेंगे ना, विकास का मतलब थोड़ी ना होता है इसके पहले हम डीएम थे, कलेक्टर थे, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ये जब शौचालय का काम होने लगा तो विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि ये सब क्या कर रहे हैं, घर दे रहे हैं बनवाए। अरे तुम आके जाके जीरो ग्राउंड पर पता करो ना भैया, तब आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार में क्या हुआ था, उनके सरकार में क्या हुआ था। आकलन करना चाहिए हर व्यक्ति को। क्या लगता है आम जनता, आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? वो तो बात करेंगे ही, वो हमेशा चाहते हैं कि हम बट कर रहे हैं, जाति में बटने की बात वही करते हैं जो हमें जातियों में बांट रहे हैं। वो जातियों में बांट करके हमारा विभाजन चाहते हैं। वो चाहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से बात ना करे, क्षत्रिय ब्राह्मण से बात ना करे, सोनकर कुर्मी से बात ना करे, ये वो चाहते हैं, इसीलिए वो जाति जनगणना की बात करते हैं। और उनके लिए ये ज़रूरी है, उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर करके हम बहुत बड़ा तीर मार देंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। हम सभी लोग आज एक हैं सामाजिक रूप से, 24 में हम हैं, दुनिया चांद पे गई, अंतरिक्ष पे गई, पर आज भी जातिगत बंटवारे की जो बात हो रही है इसे इस लोकतंत्र में किस तरीके से देखते हैं?
सर लोकतंत्र में ये तो बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, क्या 8500 उन लोगों के अकाउंट में भेज दिया गया है? नहीं। विपक्ष इसका तर्क दे रहा है कि सरकार नहीं बनी तो भेजे कैसे? ये गलत बात है। तो फिर आपने वादा क्यों किया? आपने प्रमाण पत्र क्यों दिया? आपने लिखा तो नहीं था आपके गारंटी कार्ड में? लिखना भी चाहिए। ये गुमराह किया जा रहा है जनता को। तोड़ो और राज करो, करो बस राज करो, राज करो। ये कहानी है विपक्ष के पास, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। सारे चीज को निचोड़ एक ही है। आपने कहा जैसे कि ये चुनाव जीत गए, चुनाव जीते नहीं हारे हैं। हारने का तात्पर्य क्या है कि हर समय हर लोकसभा का परिस्थिति अलग रहता है, उस परिस्थिति के हिसाब से समीकरण था जो चुनाव लड़ते हैं उनकी व्यवहार या कुछ इस तरह का। या अभी आप कहते हैं कि हमारी पार्टी ने इसकी जितना वो वोट पाए हैं, जितने सीटें पाए हैं, उतना सीट अभी तक कांग्रेस ने कभी नहीं पाया है। पाया जब तक गठबंधन कितने लोगों का किया? सारे लोगों का गठबंधन किया। कोई एक सिंगल बताइए जो गठबंधन उनसे न किया हो, तो उसका लाभ हमको मिल रहा है। यानी चोर चोर मसूरे भाई कह सकते हैं आप, वो हो चुके हैं। जनता किसना समझती है इस बात को? जनता तो लगभग अब समझ चुकी है। बीच में 24 में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अब समझ गई है और इनके बहकावे में अब नहीं आने वाली है। क्या लगता है भाई साहब आपको, जाति धर्म की बात होती है चुनाव में, जाति धर्म की बात होती है चुनाव में, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जाति धर्म की बंटवारे की बात करते हैं, जाति की जनगणना उनका मुख्य नारा रहा है 2024 के चुनाव में, किस तरीके से देखती है आम जनता? नहीं, जनता जो है जो अपना जात बिरादरी के ऊपर चल रही है, ये जो कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमारे हर जनता एक है ना, हमारे सब लोग एक हैं, तो उसमें ब्राह्मण ठाकुर यादव ये कहाँ से आता है, ये कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये जो चुनाव में ये फायदा कैसे मिलता है इस बार लोकसभा चुनाव में? आपने देखा पीडीए की बात हुई, पीडीए एक नया नारा निकल के आया, तो क्या किस कितना इसका कितना इंडिया गठबंधन का दावा है कि इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ उनके गठबंधन के? कहाँ से फायदा हुआ है? बहुत सारे सीटें आई इससे। देखिए अब उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है, जाने दीजिए अब उसको क्या कहा जाएगा, समझ रहे हैं? अब उसके बाद में यही कांग्रेस पार्टी के ऊपर कर ले करके कितना रुपया कहाँ कहाँ से आया क्या पूरे समाज को नहीं मालूम है, कैसे कैसे खर्च किया गया है। जो कांग्रेस को जैसे मुसलमान भाई हैं, कभी फॉरेन कंट्री से वो नहीं आते थे वोट देने के, लेकिन इस बार आए, उनका टिकट भाड़ा किराया भाड़ा दूसरा कोई लगा कर उनको भेजा वोट देने के लिए। क्या समाज को नहीं मालूम है, जनता को नहीं मालूम है? क्या लगता है जनता, समझ में आ रहा है? देखिए हम एक चीज ये कहते हैं, जाति की बात करते हैं चाहे राहुल गांधी जी, केवल एक चीज हमको बता दें, राजनीति जब आता है कोई चुनाव आएगा तब जाति की बात। अगर इतने ही शुभचिंतक है तो आज देखेंगे न्यायालय में सबसे अधिक अगर मुकदमा है तो जाति का है, भाई भाई का है। अगर इतना इनको प्रेम है तो पहले उसको ख़त्म कराएं, उनसे लोगों का बनाए, फिर जाति की बात करें। अगर इतना त्याग की भावना है, लोगों के संस्कार की भावना है, तो दो एक बिस्सा जमीन है, आधा बिस्सा, एक पाँव दो पाँव के लिए झगड़ा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, उस जाति की बात कर रहे हैं।